बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाज़रीन, मानसून में अचानक फिर से बड़ी तब्दीली, मज़ीद मूसलाधार बारिशें, आंधी तूफ़ानी हवाएं, कहां पर कब से, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज से ताकतवर मानसून सिस्टम बरखा ने मुल्क को मुतासर करना शुरू कर दिया है। आज पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुईं। इस्लामाबाद समेत चंद मकामात पर सिस्टम के पहले रोज़ी बादल फट पड़े। यहां से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बारिशों का सिलसिला किस शिद्दत का होगा। आज से 19 जुलाई बरोज़ पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस तमाम मशरकी, शुमाली और वस्ती इलाकों बशमूल इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, भावलपुर, भावलनगर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और गिरदोना में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। दीगर इलाकों में भी अच्छी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, बिलखसूस मशरकी और शुमाली इलाकों। पेशावर, मर्दान, कोट, ज़ोब, अटक, डेरा इस्माइल खान के इलाके शामिल हैं। बलूचिस्तान के तमाम तर शुमाली, मशरकी, जनूबी इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी, जिसमें खुजदार, आवारान, बारखान, लोरालई शामिल हैं। कोयटिया समेत शुमाली और कुछ वस्ती इलाकों में भी दरमियानी सी तेज़ बारिशें मुतवक्को हैं। सिंध में सिस्टम का सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। इस दौरान सिंध के तमाम तर इलाके शहरी में मूसलाधार बारिशें देखेंगे। कराची, सखर, हैदराबाद, लारकाना, उमरकोट, मीरपुर, खास तर पारकर, नगर पारकर समेत सूबा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। मगरबी, जनूबी, मगरबी इलाकों बशमूल दादू को खीरथर के इलाकों में शदीद ठंड स्टॉर्म मुतासर कर सकते हैं। इस दौरान मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल की जिद में आ सकती हैं। बिलखसूस पंजाब के शुमाल, मशरकी और मशरकी बलोचिस्तान के शुमाली, मशरकी और कुछ जनूबी और सिंध के मुख्तलिफ अजला इस दौरान ख़तरनाक मौसमी हालात, तूफ़ानी हवाओं, शदीद गरज चमक और बादल फटने पड़ने से जैसे वाक़ात पेश आ सकते हैं। इस दौरान लिहाजा एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मज़ीद अल्लाह ताला रहम करेगा। शुक्रिया।